यार पूजा। हाँ जी। मैं गाड़ी चेंज कर रहा हूँ यार। क्यों, क्या हुआ? यार मुझे गाड़ी चाहिए जिसमें एप्पल प्ले हो, एंड्रॉइड ऑटो हो, और हमारा ये डैश कैम भी खराब हो गया, ये भी हमें न्यू चाहिए अभी यार। तो इससे अच्छा गाड़ी ना चेंज कर ले। गाड़ी चेंज करने की क्या जरूरत है? ये है ना कार्पोराइड का इन व्हीकल मल्टीमीडिया सॉल्यूशंस। इसमें आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे पाल जी। आपको एप्पल प्ले भी मिलेगा, कार प्ले भी मिलेगा, आप जो एंड्रॉइड फोन है उनकी मिररिंग भी कर सकते हो, कैमरा भी मिलेगा और रियर कैमरा भी मिलेगा, बैकअप कैमरा, बहुत कुछ है, सभी बताती हूँ मैं आपको। ठीक है बताओ। बताती हूँ पर उसके पहले अनबॉक्सिंग तो कर ले, आपको दिखा तो उसमें आता क्या क्या है। दिखाओ फिर। चलो चलो। तो ये बॉक्स में सारा पैक आया था बट हमने ऑलरेडी खोल दिया ताकि मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा सकूं है क्या इसमें। सबसे पहले तो 3.5 mm की ये आती है ऑडियो केबल और ये है सक्शन माउंट ब्रैकेट। तो आप बहुत इजीली इसको अपने शीशे पे लगा सकते हैं। यहाँ पे आपने अपनी वो स्क्रीन लगानी है और इसको आप शीशे पे लगाएं या किसी भी प्लेन सरफेस पे लगाएं और काफी इजीली एडजस्ट हो जाती है। तो तीसरी चीज कार चार्जर जिससे ये चलेगा। तो जैसे सिगरेट वाला होता है वो प्लग है और ये जाएगा आपकी स्क्रीन में। काफी लंबी तार है इसकी, सो इट्स इजी। और ये साथ में इन्होंने सेल्फ एडहेसिव ब्रैकेट भी दी हुई है एंड ये अगेन सक्शन गैस्केट भी दी हुई है साथ में। और ये आ गया बैकअप कैमरा, तार देखो इसकी कितनी लंबी है। और ये आ गया साथ में इसका मैनुअल जिसमें बहुत आसानी से आप देख के इसको सेटअप कर सकते हैं। स्क्रीन कहाँ की? कौन सी स्क्रीन? जे चलेगा किससे? दिखाती हूँ। मेन चीज तो एंड में आती है ना। फिर ये रही स्क्रीन का साइज देखो, मतलब अगर मैं आपको मे बी वीडियो में देख के नहीं पता चल रहा होगा ना तो यहाँ से देख लो आप। कार्पोरेट लिखा हुआ है। एक और चीज दिखाऊं मैं? कैमरा, आप कह रहे था ना कि डैश कैम नहीं है, हमारा खराब हो गया, तो इसमें ऑलरेडी कैमरा है। जादू करके दिखाऊं? दिखाओ। ओ वाओ वाओ, फ्रंट कैमरा। यस। तो ये अच्छी चीज है। कई बार ऐसा होता है ना कि बंदे को अंदर के लिए भी कैमरा चाहिए हो, जो बंदे टैक्सी वगैरह चलाते हैं रात को, अगर तो आप इसको ऐसे घुमा भी सकते हो क्योंकि बहुत सारे क्राइम्स होने लग गए, सो दैट इज आल्सो यूजफुल थिंग। तो इसको उतारते हैं पहले, इसका तो अब कोई काम ही नहीं रह गया। हाँ जी उतार दो। जी जी जी, लीव इट, थ्रो योर डैश कैमरास अवे। ओके, तो हम इसको ना सक्शन माउंट से लगाते हैं। तो ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, बहुत इजी है लगाना, ये देखो। अभी इसका कवर उतार ले। नई नई चीजों को कवर उतारने में कितना मजा आता है ना। हाँ, वो बात है। तो ये लग गया हमारा कार्पोरेट, चलाएं अब इसको जी। शीशा इसका, ये कैमरा मैंने निकाल दिया बाहर को पूरा, लेट्स स्टार्ट इट। तो अब इसको ऑन कर लें, बहुत इजीली उतर जाता है और लग जाता है। कार्पोराइट सपोर्ट एट कार्पोराइट.com ये इनकी वेबसाइट है। तो पहले लगा लें इसको यहाँ पे। चलो भाई, कार्पोराइट एक ग्लोबल ब्रांड है और ये है W903 मॉडल जो कि टोयोटा कैमरी में हमारे चलता है। इसकी ब्राइटनेस अपने आप से एडजस्ट होती है, डे और नाइट के हिसाब से ऑटो एडजस्ट है, तो आपको खुद से वो करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप भी खरीदते हो, आपको नहीं भी पसंद आता, तो 30 दिन के अंदर अंदर बिना रीजन के आप इसको वापस भी कर सकते हो और 2 साल की इसकी वारंटी है। तो जो आप ये देख रहे हो ये है फ्रंट कैमरा, और जो जो फ्रंट कैमरा है ये 350 डिग्री घूम जाता है, जैसे ऐसे मैंने घुमाया ऐसे ही बैक जाएगा वापस, और ये रहा बाहर की तरफ कैमरा, मतलब 4K अल्ट्रा HD में बना रहा है वीडियो जो कि बहुत ही अच्छी है। तो करंटली कार्पोराइट ही है जिसका कैमरा ऐसे नीचे भी चला जाता है, ऊपर चला जाता है और 350 डिग्री भी घूम सकता है, और किसी प्रोडक्ट में ये चीज नहीं है राइट नाउ। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये कनेक्ट कैसे होता है, कि आपको होगा कि इसी में गाने चलेंगे, नहीं गाड़ी में भी गाने चलेंगे, तो उसे कैसे सेटअप करना है वो बताता हूँ। चलो देखिए, आओ पूजा जी। तो यहाँ पे ये देखो टोयोटा कैमरी से कनेक्ट हो गया है, और कार्पोराइट के ब्लूटूथ से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ अगर मैंने चलाना है, लेकिन मैंने तो एप्पल कार प्ले यूज करना है ना। तो ये देखो
मेरा सारा फोन आ रहा है इधर, ये देखो गाने आ रहे हैं, ठीक है। और मेन चीज ये देखो जीपीएस आ रहा है, कहाँ जाओगे पुजारी आप, तो ऐसे ही ऐसे मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे। ये जे मेरा आ गया यूट्यूब म्यूजिक, जे अगर मैंने फोन लगाना है यहीं से, और ये देखो सारा फोन आ गया। ये तो फोन ही आ गया एक तरह से, तो यही तो कारप्ले चीज है, इसीलिए तो मैं ये चीज चाहता था। ये देखो अच्छा जी, ये देखो सारा Google आ गया Maps, ब्रेव, कोरियर, टेलीग्राम, ओवर ड्राइवर, जूम, सब कुछ आ गया इसी में, ठीक है। ये देखो और स्प्लिट स्क्रीन भी होती है। जी हाँ, तो जो इसके साथ टीवीएफ कार्ड आता है और वो सपोर्ट करता है 64 गीगाबाइट को, लेकिन वो बेसिकली सिर्फ आपकी जो वीडियोस है या पिक्चर्स है जो इसमें क्लिक करेंगे या वीडियोस बनाएंगे उसी को स्टोर करेगा। आप उसमें गाने वगैरह स्टोर नहीं कर सकते या कोई मूवी वगैरह स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा जी हाँ, तो ये है जो मैंने बताया फ्रंट फेसिंग कैमरा, ये रहा इसका पावर बटन, ये रहा लाइट सेंसिटिविटी जो होती है उसकी, कैसे उसे मालूम चलता है, और ये जो है 3.5 mm जो ऑक्स भी लग जाती है इसमें, अगर आपकी गाड़ी ज्यादा पुरानी है, ब्लूटूथ भी नहीं है उसमें, तो आप ऑक्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आ गया आपका मेमोरी कार्ड, और ये रहा ऑडियो विजुअल इन तार, और ये आपकी रही सी केबल। तो जो इसकी ये आर्म है, ये एडजस्टेबल आर्म है, ये देखो जितनी भी आपने निकालनी है आप निकाल सकते हो, स्ट्रॉन्ग सक्शन कप है, और मोर स्टेबल इंस्टॉलेशन है इसकी, और जो हीट रेसिस्टेंट भी इसका बेटर है दूसरी चीजों के मुकाबले, और इसे आपको डिसेंबल करने की भी कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप कर सकते हो सब कुछ अपने आप ही। कितना इजी इसे लगाना है, ऐसे करोगे, ये लग गया, एक हाथ से लगा दिया मैंने, हाँ। दूसरे हाथ की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, मतलब 5 मिनट में हमने असेंबल करके लगा भी दिया और अपना फोन कनेक्ट कर लिया, सारा कुछ देख भी लिया। हाँ, मेन बात एक ही हाथ से लग गया, देखो एक हाथ से उतार लो, एक हाथ से लगा लो। तो जो कॉर्पोरेट इन व्हीकल मल्टीमीडिया डिवाइस है, ये आप 4 तरीकों से कनेक्ट कर सकते हैं। पहला ब्लूटूथ जो मैंने आपको करके बता दिया, दूसरा इसकी खुद की आवाज इतनी है कि आप इसमें भी गाने सुन सकते हो अगर आपके स्पीकर सही नहीं है गाड़ी के। तीसरा ऑक्स जो मैंने आपको दिखाई है, वो आपके आपको मालूम है, इंडिया वालों को सभी को मालूम ही होता है ऑक्स क्या चीज है। और चौथा होता है FM ट्रांसमिशन, वो जो कनाडा अमेरिका में है उनको ज्यादा मालूम होगा, आपको जो चैनल इसी पे चला के वही चैनल आपको सेम इस पे चलाना पड़ेगा अपनी गाड़ी पे, और आप जो गाने उसमें चलाओगे आप इसमें सुन सकते हो। ऐसे 4 तरीकों से ये कनेक्ट हो जाता है, और आपको फोन देखने की जरूरत नहीं है जब आप जैसे इसे पुकारोगे सीरी को, है ना, क्योंकि ये वॉइस एनेबल्ड है, आपकी वॉइस पे ही चलता है। अच्छा। देखो देखो, हे सीरी। ओ तो ये देखो सीरी आ गई उधर, सीरी बात सुनती है कॉर्पोरेट पे भी है। थैंक यू सीरी। श्योर थिंग। तो आप आवाज से इसे चला सकते हो, आपको फोन की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, आप वहां बोलो वहीं पे देखोगे सही फोन लगा रही है सीरी या नहीं। तो ये डिवाइस है, ये 2.5D हाई डेफिनेशन IPS डिस्प्ले है, और अपना आपका फोन ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, जैसे आप मैंने एक बार कनेक्ट कर दिया है, ऑटोमेटिकली आप गाड़ी में बैठोगे स्टार्ट करोगे आपका फोन कनेक्ट, और आप YouTube भी देख सकते हो इस पे, Netflix भी देख सकते हो इस पे, लेकिन जल्दी गाड़ी पे नहीं देखना, गाड़ी साइड पे लगा के देखना। ये टीवी थोड़ी है जो सब आपको सब कुछ चलेगा। तो जब फोन ही मिरर हो गया, मिरर जो मिररिंग ऑप्शन होता है वो इसीलिए होता है, जो आप फोन पे चलाओगे वो वहां पे चलेगा, ठीक है। हाँ, तो अगर आप कहीं पे बैठे हो फ्री टाइम, जैसे आप चले जाते हो फेशियल कराने और मैं बाहर बैठा हूँ, तो मैं मूवी देख सकता हूँ इसमें। एंटरटेनमेंट। जी जी जी। और आप जो स्क्रीन है इसे पर्सनलाइज कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं मालूम कैसे करना है आप उन्हें अपना लोगो भेजे, वो आपको सब कुछ सेट करके दे देंगे कॉर्पोरेट वाले, तो ऐसे भी वो हेल्प करते हैं आपकी। That's good. अगर आपने स्क्रीन पे कुछ चलते रखना ना, पर्सनलाइज्ड करना है, हाँ। वो भी चीज आप कर सकते हो, मतलब सपोर्ट सिस्टम अच्छा है इनका ना। जी 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 जी। तो जो इसकी पावर सप्लाई वोल्टेज है वो टाइप सी है, 5 वोल्ट 2 एम्पेयर है, और जे ऑलमोस्ट एवरी व्हीकल के साथ कंपेटिबल है, चाहे वो गाड़ी हो, आरवी हो, ट्रक हो, इवन बाइक्स के भी मॉडल आते हैं इनके पास, अगर आपके पास मोटरसाइकिल है उस पे लगाना है उसके भी मॉडल आते हैं। तो ये था कॉर्पोरेट आपके लिए,
अगर आपको भी पसंद आया तो जरूर खरीदे। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाला हुआ है और पहले कमेंट में भी लिंक डाला हुआ है जिसपे आप जाके खुद बाय कर सकते हैं। एंड आपके लिए हम एक स्पेशल डिस्काउंट कोड लेके आए हैं जो कि स्क्रीन पे आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, पहले कमेंट में भी दिया हुआ है, तो वो आप कोड यूज करके $50 तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। हाँ जी, तो पाल जी, अब फिर बताएं, आपको चाहिए नया कैमरा, डैश कैम चाहिए नया वाला? नहीं, अभी नहीं चाहिए, जो बहुत अच्छी चीज मिल गई हमें तो, कितने पैसे बच गए, नई गाड़ी लेनी पड़ रही थी मुझे तो। हमें हमारे डैश कैम के भी पैसे बच गए और आपको अपने गाने चलाने के लिए भी वो चीज मिल गई है ना। हाँ। आपको अभी अपना फोन होल्डर भी नहीं लगाना पड़ेगा फोन सामने रखने के लिए। हाँ, क्योंकि जीपीएस इसमें चल रहा है। हाँ, सब कुछ इसमें है, सब कुछ आ गया, कॉल इसमें से लगेगी, जीपीएस यहाँ पे चलेगा, मैसेज यहाँ से होगा, यूट्यूब यहाँ पे चलेगी, सब कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है, थैंक यू कार्पोराइट, थैंक यू, बाय बाय।